शिवानी एंड वेलकम टू जे के एस एस बी क्लासेस। अब हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे थे, जिसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद अलेक्जेंडर इन्वेजन। साइरस तक हमने पढ़ा था वहाँ पे कि किस तरह से पर्शियन कंट्रोल आता है कश्मीर रीजन पे। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर एंड देन द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, संधिमत नगर के बारे में भी जान लिया था, वुलर लेक का ओरिजिन होता है जब वो सारा का सारा धस जाता है अर्थक्वेक के अंदर। अर्थक्वेक होने की वजह से ज़मीन फटती है, रिफ्ट बनती है और वो संधिमत नगर सारा धस जाता है उसमें, और फिर झेलम उसका पानी आता है और वुलर लेक का ओरिजिन होता है। एज यू नो कि वुलर लेक का टेक्टोनिक ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद और वैसे भी जम्मू कश्मीर रीजन जो है ये ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ठीक है, देन उसके बाद साइरस आते हैं, फिर लवा को इलेक्ट करते हैं वहाँ के लोग, एंड देन साइरस की एंट्री होती है, एक पर्शियन एम्पायर आ जाता है कश्मीर रीजन में। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर देन मौर्यन। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप हम सारा पढ़ेंगे। इस प्लेस में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की। और अगर आपको किसी भी तरह की जॉब अपडेट या स्ट्रैटेजी की किस तरह से आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो इंडिया लेवल के हो गए, डिफेंस के हो गए, एनडीए, सीडीएस या किसी भी तरह का एग्जामिनेशन है, तो आप लर्न विद वरुण चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। एंड टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद वरुण पे आपको सारी पीडीएफ और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अलेक्जेंडर पे। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब होता है, 326 बीसी में, और पर्शियन जो रूल चल रहा था कश्मीर वैली में वो कहीं पे लुप्त होने लगता है। ठीक है, पर्शियन लॉस्ट कंट्रोल, और इसको अलेक्जेंडर को, ठीक है, पर्शियंस ने और क्या कहा था, सुल्तान सिकंदर। और सुल्तान सिकंदर का क्या मतलब होता है, एक ग्रेट वॉरियर या डिफेंडर जो प्रोटेक्ट करता है अपनी टेरिटरी को। देन ये बनते हैं गवर्नर मैकडोनिया के एंड कॉन्कर करते हैं एरियाज, ग्रीस हो गया, इजिप्ट रीजन हो गया। उसके बाद ये इंडिया आते हैं और बैटल इनकी होती है कहाँ पे, पॉक्सस के साथ, जिसमें इंडिया को 16 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। देन बैटल ऑफ हाइदरस्पीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पेपर्स में, लास्ट 20 ईयर जे के एस एस बी की वो बुकलेट देखी थी मैंने, उसमें बैटल ऑफ हाइदरस्पीज बहुत बार आया। ठीक है, ये जो बैटल है ना, एंड पूछा जाता है कि ये बैटल कहाँ पे हुई थी, तो बैंक ऑफ झेलम में हुई थी। झेलम का ओरिजिन स्टार्टिंग की वीडियोस में बता दिया गया है, वुलर का भी हो गया, अब आगे आगे हर एक चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना वीडियोस को। अलेक्जेंडर जीतते हैं, जब पॉक्सस के साथ वॉर होती है, इवन इन द बैटल ऑफ हाइदरस्पीज ये पूछा जाता है कि कौन सी कहाँ पे हुई थी, बैंक ऑफ झेलम, किसने की थी, अलेक्जेंडर ने, जीते भी अलेक्जेंडर थे। पोरस ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया को छोड़ दिया एंड अपने गवर्नर्स को अपने बिहाफ पे उस टेरिटरी में रख दिया। उसके बाद अभिसरा किंग रूल करते हैं कब, अभिसरा किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जिनकी डेथ होती है 325 बीसी में, और सेल्यूकस निकेटर जो थे ना, ये अलेक्जेंडर के जर्नल थे, जिनका कंट्रोल आता है फिर इंडस वैली की टेरिटरीज पे। एस ई एल ई यू सी यू एस एल ई है ये, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो जर्नल थे अलेक्जेंडर के, फिर इनका कंट्रोल जो आ जाता है इंडस वैली की टेरिटरीज पे। देन कम द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो सबने देखा ही होगा, सीरियल भी बना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये कब आते हैं, 321 बीसी से 297 बीसी में, पेपलन पाकिस्तान पंजाब रीजन को कॉन्कर करते हैं और इंडस वैली की टेरिटरीज को कॉन्कर करते हैं। देन उसके बाद सिंध पंजाब मगध पतिलपुत्रा, ठीक है, पतिलपुत्रा में भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। हमने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़नी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जे एंड के का बात कर लो या इंडिया की बात कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़नी है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, कुशान डायनेस्टी में अंडर द किंग कनिष्क, ठीक है, और कुशान के यू आ रहा है ना, तो यू से ही हमने देखना है, बी यू बुद्धिस्ट, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पे। देन मौर्यास में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 बीसी। देन बिंदुसरा आते हैं उनके बेटे, और फिर बिंदुसरा के बेटे आते हैं अशोका। बिंदुसरा कब थे, 297 से 273 बीसी। फिर आते हैं अशोका, और अशोका का बहुत रूल रहता है, अशोका जो है ना ये पूरे इंडिया पे कब्जा करते हैं, सिर्फ साउथ वाले रीजन को छोड़ के, ठीक है, साउथ वाले रीजन को छोड़ के, तो वो किसी को एंटर ही नहीं होने देते थे साउथ वाले रीजन में। ये जो साउथ वाला रीजन था, यहाँ पे एंट्री करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बाकी ये जो सारा रीजन था ना, ये अशोका के अंडर था, चाहे वो आप पाकिस्तान वाला ले लो, इंडिया वाला ले लो, नेपाल वाला ले लो, ठीक है, यहाँ वाला ले लो,
सारा का सारा एरिया जो है शोका के अंडर था। और शोका जो है ना, इनके बाद एक और ऐसे महान हस्ती हुए थे ललितादित्य मुक्तापिता, कारकोटा डायनेस्टी में। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभवर्धना। और दुर्लभवर्धना जो है ललितादित्य मुक्तापिता के कौन थे? दादू थे, ग्रैंडफादर थे। तो ललितादित्य मुक्तापिता ने भी लाइकवाइज अशोका की तरह इस पूरी टेरिटरी पे, लाइक जितना अशोका का रूल था ना, उससे भी ज़्यादा ललितादित्य मुक्तापिता का था। वो हिंदुत्व की एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते थे, अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। बट कहीं भी उनका मेंशन नहीं है ऐसा जितना, बट ललितादित्य मुक्तापिता की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत एक ग्रेट वॉरियर थे वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अशोका जो है, फिर उसके बाद किस तरह से कलिंग वॉर होती है और अशोका जो है वो बुद्धिज़्म की टूवर्ड्स चले जाते हैं, बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। प्लस जो ये जे एंड के में अशोका थे ना, कल्हण ने इन्हें कोई और अशोका बताया है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेटर ऑन हिस्टोरियंस ने क्लैरिफाई किया था कि जो जे एंड के में अशोका थे वही इंडिया वाले ही अशोका हैं, कल्हण को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अबाउट दैट। बाकी ये है और इसके आगे हम अशोका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी तो देखा होगा ना, कि वो नंदा डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का नंदा के साथ क्या होता है, लड़ाई सी होती है। तो वो चाणक्य अपनी नीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, एक चाइल्ड को बड़ा करते हैं, उसको वैसे सारा इनकलकेट करते हैं माइंड में, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को एक ग्रेट लीडर वॉरियर बनाते हैं, देन नंदास के अगेंस्ट खड़ा करते हैं, क्योंकि चाणक्य और नंदास की लड़ाई हुई थी, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो नंदा को किल करते हैं, उनके बेटे को किल करते हैं और उनकी बेटी से शादी करते हैं। इवन आपने सीरियल भी देखा होगा, ठीक है। फिर बिंदुसारा एंड देन अशोका के बारे में हम आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब अशोका और उनके सन चालुका के बारे में, ठीक है। तो अशोका को और क्या बोला जाता था? प्रियदर्शन या देवनामा, प्रियदासी यानी बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, जो भगवान को प्रिय हो। एंड अशोका द ग्रेट, इनका जो रूल था कब रहा? 268 से 232 BCE। पहले ये सनातन धर्म लाइक ब्राह्मण जो कल्चर था, ठीक है, उसको फॉलो करते थे, बट आफ्टर द कलिंग वॉर उसमें इतनी सारी डेथ्स होती हैं तो उसके बाद ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद किस तरह से जो मौर्यन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि एंशंट टाइम में, एंशंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि जितने बड़े बड़े एम्पायर थे, वो चाहे आपका दिस बाइजेंटाइन एम्पायर है, ग्रीक है, रशियन है, चाइनीज़ है, ये सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो उस आज के ज़माने की कम्युनिकेशंस जो चीज़ें थी वो नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स फैसिलिटी या कॉलिंग सिस्टम, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बड़ा एम्पायर और इतनी बड़ी आर्मी को मैनेज करना वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता था उस टाइम पर ये सब चीज़ें करना। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बगैर आर्मी मैनेज करना, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री में अशोका की जो आर्मी थी वो सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है, इनका एम्पायर सबसे बड़ा माना जाता है। बट बुद्धिज़्म के बाद इनकी जो मौर्यन एम्पायर का जो डिक्लाइन था, डिसइंटीग्रेशन थी, तो उसकी जो थ्योरीज हैं, कुछ कहते हैं कि ये बुद्धिज़्म का कुछ ज़्यादा प्रचार करने लगे थे, जो बाकी जो अदर किंग्स थे आफ्टर अशोका उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, देव शैवाइट्स वैष्णव्स, ठीक है, तो वो फॉलो नहीं करते थे, उसकी वजह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन आ गया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे रूल किया एक्सेप्ट तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, और उस टाइम पे किसका रूल चल रहा था? तीन ये जो थे, सतवाहन, शुंगास एंड कानवास का, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में इनका रूल था। जिसके बाद फिर आते हैं आपके इंडो ग्रीक, यानी कि जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडिया में एंट्री होती है, और इसी के बीच में कनिष्क रूल था जम्मू कश्मीर में 120 से 144 BC, जिसमें कुषाण मतलब कनिष्क किंग थे, कुषाण डायनेस्टी थी, जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव वॉर होती कलिंगा की, जिसके बाद वो बुद्धिज़्म में जाते हैं। मझहान्ति का बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है, अशोका ने। विजयवाहारा या जिसको बिज बिहारा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्तूपास जो हैं वो बनाए गए थे अशोका के द्वारा। इन्होंने ओल्ड सिटी जो है, जिसको लक्ष्मी सिटी भी बोलते हैं, प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है, और पेंड्रेथन भी बोलते हैं, इसकी ट्रिक बताई थी ना, पत्थर पुराने होते हैं, ठीक है, पेंड्रेथन पत्थर, पत्थर पुराने होते हैं, पुराना मतलब ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी जो थी वो अशोका ने की थी, और जो आपकी मॉडर्न सिटी थी पुराने टाइम में, परवर सेनापुर,
परवर सेनापुर की थी, परवर सेना टू ने, ये किसी और डायनेस्टी की बात है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये मॉडर्न सिटी है, दिस इज़ दी ओल्ड सिटी। पत्थर से याद रखना, पत्थर जो है ये बहुत पुराने होते हैं। पेंड्रेथन अशोका ने किया था ओल्ड, मॉडर्न किया था परवर सेनापुर, परवर सेना टू ने। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, पतलपुत्रा में, जो अशोका ने करवाई थी। एंड फोर्थ कहाँ हुई थी और किस डायनेस्टी में हुई थी, कुषाण डायनेस्टी अंडर द किंग कनिष्क, ठीक है। ये इनकी डेथ होती है 232 BC में, देन इनके सन आते हैं जालूका। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देन आते हैं जालूका, सन ऑफ अशोका, जो कनौज यूपी पे राज करते हैं, फिर इंडो ग्रीक्स को हटाते हैं कश्मीर वैली से, ठीक है। कश्मीर वैली में जो इंडो ग्रीक का रूल था ना, इसको ख़त्म करते हैं। और कनिंगम जो हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं कि जो टेंपल है शंकराचार्य का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जेएनके, वॉज बिल्ड बाय जालूका बट नॉट सपोर्टेड बाय द आर्किटेक्चर एविडेंसेस, कि जालूका ने शंकराचार्य का मंदिर बनाया था, ऐसा कनिंगम हिस्टोरियन कहते हैं। बट हमारे पास ऐसे कोई भी आर्किटेक्चुरल एविडेंस नहीं है, तो नहीं मानते हिस्टोरियंस कि ये शंकराचार्य टेंपल जालूका ने बनाया। बट ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई मंदिर वहाँ पे स्थापित किया होगा शंकराचार्य वाला, और वो ड्यू टू वेदर कंडीशन इरोड हो गया होगा, और उसके बाद किसी और राजा ने वहाँ पे उस बिल्डिंग का निर्माण किया होगा। अब सतवाहन शुंगा कानवास जो थे, ये इंडिया में अदर पार्ट्स में रूल कर रहे थे। इनके बाद आए थे इंडो ग्रीक सेंट्रल एशिया से, जो फिर कश्मीर से इंडो ग्रीक सेंट्रल एशिया एंड देन कश्मीर में एंटर होते हैं, देन इंडिया में कनिष्क रूल किस तरह से, कनिष्क किंग आते हैं, कुषाण डायनेस्टी आती है। और कुषाण डायनेस्टी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे सबसे पहले इन्होंने ही लाए थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स जो थे ना, वो कुषाण डायनेस्टी में ही आए थे, जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कनिष्क किंग थे आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो गोल्ड किंग कॉइन्स वाला था, इसमें कभी कभी वो राजा की फोटो भी लगा देते थे और ईयर भी लिख देते थे, जिससे आर्किटेक्चुरल एविडेंस से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती थी कॉइन्स के थ्रू कि किस राजा का रूल था, किस ईयर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स जो हैं सबसे पहले आपकी कुषाण डायनेस्टी अंडर द किंग कनिष्क ही शुरू हुए थे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।